हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल बजरंग एजुकेशन वर्ल्ड में। आइए दोस्तों, आज 23 मई के शैक्षिक समाचार देखते हैं। शिक्षा विभाग, टीचर्स की बायोमेट्रिक मशीन से 8 पीरियड्स में होगी अटेंडेंस। उपखंड के सभी सरकारी स्कूलों में जुलाई से शुरू होगी नई व्यवस्था। शिक्षकों के देरी से आने का कटेगा वेतन, विद्यार्थियों को होगा फायदा। संस्कृत यूनिवर्सिटी का एडमिशन शेड्यूल जारी, जयपुर। आवासीय शिविर में शिक्षिका की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में चढ़ाई ड्रिप। निरीक्षण, बीओ ने बराणी ग्राम पंचायत स्कूलों का निरीक्षण, गड़बड़ी मिली। 5 स्कूलों का निरीक्षण, 2 में पोषाहार नामांकन 0 मिला, 3 में 253 में से खाने वाले मिले 45। पोर्टल पर अपडेट नहीं की सूचना, 121 संस्था प्रधानों को दिया नोटिस। विद्यार्थियों का शाला दर्पण पोर्टल पर दिया मॉड्यूल, नागौर। 6 माह पहले हुए RSCIT परीक्षा के सर्टिफिकेट अटके, कारण 2% गलत, रिजल्ट रिवाइज, गलत प्रमाण पत्र छपे। आयकर TDS काटा है तो 31 मई तक जमा कराना अनिवार्य, नहीं तो लगेगी पेनल्टी। पेन नंबर और खाता संख्या गलत तो अलग से देनी पड़ेगी पेनल्टी, यह पेनल्टी ₹200 प्रतिदिन लगेगी। ग्रीष्मकालीन शिक्षक प्रशिक्षण शिविरों में अव्यवस्थाओं का आलम। इंस्पायर अवार्ड के लिए पंजीयन 30 जून तक, नागौर। भास्कर के 2 रिपोर्टर 5 दिन तक 45 फर्मों पर गए, पैसा देकर बनवाए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र। कलेक्टर कमिश्नर को सफाई, अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी। सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए हो रहा घोटाला। इंजीनियरिंग संकाय में पेपर खुलने के बाद एन वक्त पर परीक्षाएं स्थगित, कई सवाल हो गए खड़े पर जिम्मेदार मौन। कॉपियों के सीरियल में नई गड़बड़ी, सामने आने के लग रहे कयास, जिम्मेदार कौन, चर्चाएं बेशुमार। इंजीनियरिंग संकाय में परीक्षा से पहले कॉपी व पेपर पार होने की रिपोर्ट में लिपापोती, VC ने जांच कमेटी बनाई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से मांगी गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट। आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर कारण बताओ नोटिस जारी होगा। दीक्षांत समारोह में 276 विद्यार्थियों को मिलेंगे मेडल, कल बोर्ड सभागार में होगा कार्यक्रम। श्रेष्ठ 76 स्कूलों के संस्था प्रधान भी होंगे सम्मानित। जुलाई से शुरू होने वाले नए सत्र में लागू होगा नया पाठ्यक्रम, 21 साल बाद बदलाव। योगा नर्सरी KG की नैतिक शिक्षा से शुरू होगी MBS की पढ़ाई। 3 साल बाद भी स्कूलों को नहीं मिले विशेष शिक्षक, दिव्यांगों के साथ खिलवाड़। कॉलेज शिक्षा व्याख्याता का रिश्वत परिणाम घोषित। तबादला सूची में खामी, 1 स्कूल में 2 हेडमास्टर, जयपुर। 730 दिन चाइल्ड केयर लीव को वित्त विभाग ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने महिला कर्मचारियों को दी सौगात। 374 पदोन्नत सेकेंड ग्रेड टीचर्स को पोस्टिंग की तैयारी, शिक्षा विभाग। वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए काउंसलिंग प्रारंभ, 27 तक चलेगी रिक्त पदों की सूची, देरी से जारी होने पर शिक्षक नाराज। बैंक कर्मियों का प्रदर्शन 29 मई को, बीकानेर। MGS विश्वविद्यालय 3 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम शुरू नहीं करने पर रोष। कैरियर, कई परीक्षाओं के ताजा वर्गीकरण जारी, अजमेर। प्रदेश में चाइल्ड केयर लीव का नोटिफिकेशन जारी।
आज शाम 6:15 बजे 12वीं साइंस व कॉमर्स का रिजल्ट होगा घोषित। आरबीएससी वेबसाइट पर जानकारी से उठे सवाल, डॉक्टर गर्ग का कार्यकाल 1 मई को हुआ था पूरा। डॉक्टर गर्ग 1 अप्रैल को हो गए रिटायर्ड, फिर 1 महीने आयोग में किस हैसियत से रहे। ग्रेड 3 शिक्षकों की तबादला सूची जल्द जारी की जाएगी। पर्यावरण दिवस 5 जून को CBSE स्कूलों में आयोजन अजमेर। कॉलेज लेक्चरर अंग्रेजी में 54 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित। 276 विद्यार्थियों को मिलेंगे पदक, 76 श्रेष्ठ विद्यालय भी होंगे पुरस्कृत। दो 2000 पदों के लिए हो सकती है भर्ती, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी होगा, फाइनल रिजल्ट नवंबर में। SBI में PO भर्ती, प्रारंभिक परीक्षा जुलाई में ऑनलाइन होगी। ये थी दोस्तों आज के मुख्य शैक्षिक समाचार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।